Hey there, this is Pranshu Verma and let's get start our next lecture on laws of motion. Okay, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में क्वेश्चन कर चुके हैं कुछ टेंशन से रिलेटेड. ओके, आज भी हमें टेंशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन करने होंगे और कोशिश करेंगे हम कि स्प्रिंग को भी कंसिडर करने की कोशिश शुरुआत कर दें. ओके, तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो मैंने आपको जिस टाइप का क्वेश्चन एक दिया था. अब मुझे डाटा याद नहीं है उसका कितना डाटा था. ओके, लेकिन उसी से टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, एक उसी टाइप का. तो आप लोग उसको और इसको एक तरीके से आप अपना एग्जांपल समझ लेना उस क्वेश्चन के लिए. अब ऐसी बात है, वैसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होने वाला. अच्छा चलो, इंक्लाइन प्लेन का मैं क्वेश्चन बाद में ही करूँगा आप लोगों को. एक्चुअली उसी टाइप का क्वेश्चन एक करा देता हूँ ताकि आप मेरे को बोले मत कि आई थिंक सो यही था ना, 5 kg, 10 kg या 10 kg या 20 kg था, पता नहीं मेरे को. ओके, ये क्वेश्चन है, चलो ये मान लिया ये क्वेश्चन. ठीक, ओके, आपको क्या फाइंड करने का है? आपको फाइंड करने का है टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन. टू थिंग्स फाइंड करनी है, देर इज नो फ्रिक्शन. ओके, सो देर विल बी नो लॉस ऑफ फोर्स. ओके, सो सबसे पहले आप इसकी FBD बनाओ 5 kg की. देर इज अ डाउनवर्ड फोर्स 5 × g, दैट मीन्स 50 N, एंड देर विल बी अ नेट टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, हमेशा मैंने बोला टेंशन कैसे लगती है, अवे फ्रॉम द ब्लॉक. ओके, इसका FBD बनाओ, जरा देखो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, इसका वेट ऐसे, 10 × 10 100 N, और एक टेंशन इस तरफ. क्या तीसरा चौथा फोर्स है कोई? There is no other than these three forces on the block of mass 10 kg. There is no other any force. ठीक, only three force are there. Okay, so if there is a motion, though, तो motion इस तरफ ही होगा और इस तरफ ही होगा. Okay, obvious बात है. अब देखो इस block पे कोई और force नहीं है, तो obvious ही बात है the net force on this block will be the tension. And the net force will be 10 × A. From the second law of Newton, 10 × A comes equal to T. Okay, here F net comes equal to 5 into G, that means 50. Okay, minus T. Obviously, बात है क्योंकि block is going downward, so 50 N should be greater than the tension. So 50 minus T comes equal to F net. So F net की value 5 × A होगा. फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होंगी. ओके, कोई बच्चा मेरे को ये मत बोल दे कि सर नोट्स नहीं बनवा रहे. यही नोट्स है प्रभु, यही नोट्स है. 5 × A, 50, टी की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन तो डाल दो सर. ले भाई डाल दी यार, मेरे को है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन करने नहीं बनते. आप कॉमन सेंस खुद लगाओ इन चीज़ों की. ठीक है, ह्यूमन माइंड कुछ इस टाइप का होता है कि यदि हमें सब कुछ करा कराया मिल जाए. ओके, करा कराया, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करा कराया, मतलब थाली में परोस के मिल जाए. ठीक है, मम्मी खाना बना के दे देती हैं. ओके, थाली में परोस के दे देती हैं, तो वी जस्ट हैव टू डू वन थिंग, ब्रेक इट एंड सब्जी में लगाना और ईट दैट थिंग. ओके, ईट द पीस ऑफ द ब्रेड. ओके, जब हम बाहर जाते हैं घर से तो मम्मी नहीं होती. ठीक है, तब हमें खाना बनाना सीखना पड़ता है. ठीक है, तब हम खाना बनाना भी सीख लेते हैं, बिकॉज अपने को नहीं पता था, अपने को अभी तक ज़रूरत नहीं थी, अब ज़रूरत पड़ी तो ह्यूमन ने सीखा. ओके, अब यदि कहीं से सब्जी नहीं मिल रही तो आदमी खुद सोचेगा कि घर में उगाऊँ, है ना, गमले वमले पर डाल के. तो आदमी को खेती करनी नहीं आती, लेकिन उसकी नेसेसरी है, नेसेसिटी चीज़ है उसके लिए. ओके, कंपलसरी है, तो वो सीख जाएगा कैसे ना कैसे. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बता के बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक खुद से आदमी की दिमाग में नहीं आता कि ये ज़रूरी चीज़ है एंड आई हैव टू डू दिस फॉर समथिंग लाइक दिस. ओके, तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आदमी कुछ नई चीज़ सीखता नहीं है. मैं यही समझाना चाह रहा हूँ. इन चीज़ों को मैं आपको हलवा बना के परोस दूंगा ना, खा लोगे, सीख नहीं पाओगे हलवा कैसे बन रहा है, समझे. तो ट्राई टू
बी एजुकेटेड, ओके ठीक है, मतलब यार आमिर खान मुझे पसंद नहीं है, लेकिन थ्री इडियट्स का उसका डायलॉग अच्छा है कि काबिलियत पे फोकस करो, है ना, पैसे पे फोकस मत करो, काबिलियत पे फोकस करो, ओके ठीक। हाँ मेरे को एक काइंड ऑफ दुश्मनी है उससे, ठीक। अब कई सारे बच्चे होंगे जो बोलेंगे हाँ सर आमिर खान इज़ अ गुड एक्टर, इज़ अ मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ओके ये आपका ओपिनियन है, मेरा नहीं है। ओ हो, 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू विल डिवाइड इट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू देयर, तो टी कम्स इक्वल टू 10 इंटू ए 3.33, सो दैट विल कम इक्वल टू 33.33 न्यूटन, दैट शुड बी योर आंसर, दैट शुड बी योर आंसर, ओके। यदि कोई मिस्टर परफेक्शनिस्ट होता है ना तो वो कभी भी किसी को कॉपी नहीं करता, ओके। इसी क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। इन अ फाइट आई वाज देयर, ओके। एक फोर्स मैंने 20 न्यूटन का इस तरफ लगाया है, एंड नाउ आप देखो कि आपका नेट फोर्स किस तरफ आएगा, आपकी टेंशन और एक्सेलरेशन अब कितनी आएगी। इस क्वेश्चन को करके देखो, खुद से हटा दो, इस क्वेश्चन को खुद से करके देखो, उतार लो इस क्वेश्चन को, ओके। जस्ट फाइंड द टेंशन एंड द एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग, ओके, एंड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ओके। क्वेश्चन करें अगला, ओके। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों की साई। कितने सर क्वेश्चन है, इनमें क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो सीख नहीं पाओगे। टेंशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हाँ टेंशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और हम कुछ क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन बाद में करेंगे, ओके। कुछ क्वेश्चंस को बाद के लिए छोड़ देते, कुछ तो छूटे बाद के लिए, है ना। हाँ सब टाइप का अभी कर लेंगे तो फिर बाद में क्या करेंगे, घुइयाँ छी लेंगे। सो अभी मैं जब मुँह हूँ ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज करवा चौथ है, मेरे लिए किसी ने नहीं रखा व्रत, डोंट वरी, ओके। बच्चे बोल होंगे सर करवा चौथ का व्रत रखा किसी ने, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि इफ इफ स्ट्रिंग दो, एक एक डिफरेंट काइंड का दे रहा हूँ, इफ कैन बी अ फोर्स ऑफ अ फोर्स ऑफ सिक्सटी न्यूटन, देन देन फाइंड दैट द टेंशन, ओ सॉरी द स्ट्रिंग विल ब्रेक और नॉट, विल ब्रेक और नॉट, ओके। इफ स्ट्रिंग डू नॉट ब्रेक देन फाइंड टेंशन इन इट। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन है, या यहाँ पे आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है मास 10 kg का, विच इज़ प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ 30 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंड देर इज अ स्ट्रिंग विच इज़ फिक्स्ड एट ए पॉइंट फिक्स सरफेस ऑन द इंक्लाइन प्लेन, एंड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज बाइंडेड विद द ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। तो क्वेश्चन सेट कि यदि जो स्ट्रिंग है इट कैन बियर, वो झेल सकती है 60 न्यूटन ऑफ फोर्स, मतलब बिफोर फेलियर, ओके, मतलब बिफोर ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्ट्रिंग टूट जाना, हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाना, ओके। इफ स्ट्रिंग कैन बी अ 60 न्यूटन फोर्स, देन टेल मी कि व्हाट विल बी दिस, व्हाट विल बी द अरेंजमेंट, ओके। ये जो स्ट्रिंग है वो टूटेगी और या नहीं टूटेगी, ओके।
दिस इज द क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि स्ट्रिंग इज नॉट ब्रेक्ड. यदि ऐसा होता है कि ब्रेक नहीं करिए स्ट्रिंग तो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ओके सो इसका आंसर निकालने के लिए इसको करना पड़ेगा, पहले इसको करना पड़ेगा. ठीक है क्वेश्चन है, अच्छा आंसर है. देखो जरा एफ बी डी बनाओ. डू मेक द एफ बी डी ऑफ इट. ओके डू मेक द एफ बी डी ऑफ इट. ओके सो दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द वेट एम जी, दिस विल बी थीटा 30 डिग्री. ओके ऐसे यहाँ पे 30 डिग्री मतलब यहाँ पे क्या आएगा 10g cos 30 आपको याद होगा. रट डालो इनको 10g sin 30. हियर टेंशन, हियर नॉर्मल, इनको रट डालो. जितनी अच्छी जल्दी होगा रटने का उतना बेहतर होगा. ओके इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, करो सॉल्व. ओके ओके ओम हरि ओम. चलिए सो फ्रॉम हियर एज यू कैन सी इफ इफ स्ट्रिंग डू नॉट ब्रेक्स, स्ट्रिंग डू नॉट ब्रेक्स. यदि स्ट्रिंग डू नॉट ब्रेक मतलब ब्रेक्स तो आना नहीं चाहिए, ब्रेक होगा. ओके मतलब स्ट्रिंग टूटी नहीं, यदि स्ट्रिंग टूटी ही नहीं देन व्हाट विल हैपन टू द अरेंजमेंट, क्या होगा, क्या ब्लॉक रुका रहेगा इंक्लाइन प्लेन पे? ऑब्वियस ही बात है, इफ द ब्लॉक इज स्टॉप इट इज इन द रेस्ट ऑन द इंक्लाइन प्लेन दैट मीन्स द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज जीरो. यही होगा ना इसका मतलब. यार कोई चीज रुकी हुई है या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो इसका एक ही मतलब है नेट फोर्स जीरो है. क्या जीरो है? नेट फोर्स जीरो है. ओके सो मेक द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज बिकम जीरो. तो वाई एक्सिस में करोगे तो एन बिकम इक्वल टू दिस थिंग एंड एक्स एक्सिस में लेना होगा हमको. एक्स एक्सिस में एफ नेट कितना होगा? एम जी साइन 30 माइनस टी एंड दैट इज इक्वल टू जीरो. एम जी साइन 30 या टी कम्स इक्वल टू एम जी साइन 30 या 10 साइन 30 वन बाई टू. दिस कम्स इक्वल टू 50 न्यूटन. द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग इज 50 न्यूटन एंड द स्ट्रिंग कैन बियर अप टू 60 न्यूटन. इसका मतलब स्ट्रिंग टूटेगी? नो, स्ट्रिंग टूटेगी नहीं. हमारा जो अजम्पशन है वो एक्यूरेट है. यदि यहाँ पे वैल्यू 61 न्यूटन आती, इफ द वैल्यू ऑफ टेंशन कम्स इक्वल टू 61 न्यूटन देन विल से कि इट इज़ ग्रेटर देन द ऑप्टिमम वैल्यू दैट अ स्ट्रिंग कैन बियर. ओके एक स्ट्रिंग जो बियर कर सकती है उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है टेंशन की. ओके सो स्ट्रिंग विल गोइंग टू बी ब्रेक डाउन, स्ट्रिंग विल गोइंग टू बी ब्रेक डाउन. ओके तो ये कंडीशन है, ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसको आपको करना है. चलिए हटाए, हटा दो. चलिए चलिए अब कोशिश करते हैं स्प्रिंग को समझने की. स्प्रिंग अपने आप में एक कहानी है. मैं अभी आपको सब चीज़ें बिना फ्रिक्शन के सिखा रहा हूँ. ओके बिना फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन को बस एकदम चाट मसाले की तरह ऊपर से डालूँगा. हाँ जी और आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी. धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे. ओके अभी हमने टेंशन सीख लिए, कैसे अप्लाई करना है, एफ बी डी बनानी सीख लिया. अब हम स्प्रिंग को सीखेंगे और स्प्रिंग पे कुछ क्वेश्चंस भी हमें जो करने हैं. स्प्रिंग के हमें सीरीज और पैरेलल लॉ भी पढ़ना है तो आज ही कर लेंगे उसको काम खत्म. ओके तो अब हम बात चलते हैं स्प्रिंग पे. स्प्रिंग व्हाट इज स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या होता है आपको इससे मतलब है नहीं? ठीक है एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है स्प्रिंग. ओके जो आपको रीस्टोरिंग फोर्स देता है. ठीक है इन द बोथ केसेस इन ड्यूरिंग कंप्रेशन और एज वेल एज इन ड्यूरिंग टेंसाइल फोर्स. मतलब स्ट्रिंग और स्प्रिंग में फ़र्क क्या है? स्प्रिंग भी रीस्टोरिंग फोर्स देगा और स्ट्रिंग भी रीस्टोरिंग फोर्स देगा. हाँ जो टेंशन होती है इट इज़ अ काइंड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स. या टेंशन जो है स्ट्रिंग के अंदर जो बनती है इट्स काइंड ऑफ अ रीस्टोरिंग फोर्स. बोथ आर द रीस्टोरिंग फोर्सेज. ओके विच इज ओनली कम्स व्हेन द देयर इज अप्लाइड फोर्स. जब भी कोई अप्लाइड फोर्स होगा तभी वहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स आएगा. ओके ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स. ओके लेकिन प्रॉब्लम है कि टेंशन जो स्ट्रिंग में पैदा होगी वो हमेशा टेंसाइल फोर्स के कंडीशन में आती है, कभी भी कंप्रेशन में नहीं आती. ओके
अब स्प्रिंग ऐसी कंडीशन है, स्प्रिंग ऐसी डिवाइस है जो हमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों के टाइम में, एक्सपेंड करोगे तब भी और कंप्रेस करोगे तब भी, दोनों के टाइम में आपको रिस्टोरिंग फोर्स देगी। यही इसकी प्रॉपर्टी है और इसीलिए हमने इसको अलग से रखा है। ओके चलिए, ऑब्वियस बात है यार, इसको खींचोगे तब भी आपको फोर्स लगाना है, इसको दबाओगे तो भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके ये स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग में एक चीज़ होती है और उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। इसके बारे में आप वेव में बहुत अच्छे से पढ़ोगे कई सारी चीज़ें, यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना, यहाँ पे ऊपर ऊपर से देखेंगे बस, काम देखेंगे इसका, इसमें हो क्या रहा है वो हम वेव में देखेंगे, हो क्यों रहा है वेव में देखेंगे, हो क्या रहा है यहाँ देखेंगे। ओके इसके अंदर नहीं, इसके बार बार ये कर क्या रहा है ये बोलो, यदि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्रिंग दैट विल गोइंग टू बी सीन इन दिस चैप्टर, और जो मतलब इनसाइड द स्प्रिंग और द वर्किंग ऑफ स्प्रिंग, अपन लोगों से इस चैप्टर में उससे मतलब नहीं है, वेव में देखेंगे उस चीज़ को। ओके चलिए, हार्मोनिक मोशन जब पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके तो याद रखो इसमें होता है एक स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की, हुक्स लॉ एक कंडीशन है, एक हुक एक थियोरम है हुक्स लॉ, जो एक साइंटिस्ट था हुक्स हुक था, उसने बनाया था हुक्स लॉ स्प्रिंग पे। उसने क्या बोला था कि द रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपने इस पे खींच के एक थोड़ा सा लंबा कर दिया इसको, दिस इज एक्स, यहाँ थी इसकी लंबाई, इसको एक्स लंबा कर दिया आपने, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ किया, इस तरफ किया, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स आएगा इधर, इधर फोर्स आएगा, वो कौन सा होगा स्प्रिंग फोर्स, ये तो अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है। ओके दिस विल बी स्प्रिंग फोर्स, ओके क्लियर है। ओके और ये क्या होगा इन्वर्सली सॉरी निगेटिवली प्रपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। ओके मतलब यदि मैं कंप्रेस करूँ इसको, सेकेंड थिंग भी देख लूँ उसके साथ क्या होगा, इफ़ आई डू कंप्रेस्ड द स्प्रिंग, मतलब मैंने एक्स कंप्रेस किया, तो इस समय मैंने डिस्प्लेसमेंट किस तरफ किया, इस तरफ, इस समय एफ एस की डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब हमेशा अपोजिट, एक्स इज अपवर्ड हियर सो फोर्स इज डाउनवर्ड, हियर एक्स इज डाउनवर्ड फोर्स इज अपवर्ड, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस निगेटिव साइन। ओके नाउ हुक्स जस्ट रिप्रेजेंट द कॉन्स्टेंट के इन द प्लेस ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड ही गेस कि एफ एस कम्स इक्वल टू के एक्स एंड विच इज वेयर द के इज इक्वल टू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। देखो यार बाद में आपको पता चलेगा जब हम एस एच एम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि वहाँ पर पता चलेगा आपको कि ये जो इक्वेशन है ना एफ इक्वल टू के एक्स, ये हार्मोनिक की इक्वेशन है, जब कोई बॉडी कोई पार्टिकल एस एच एम करता है तो उसकी इक्वेशन बनती है ये, और वहाँ पर जो के है ये एस एच एम कॉन्स्टेंट है, एस एच एम कॉन्स्टेंट है, ओनली इन द केस ऑफ स्प्रिंग इट इज नेम्ड एज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। ओके और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ओके और ये स्प्रिंग के लिए कॉन्स्टेंट होता है, किसी भी स्प्रिंग के लिए, कोई भी स्प्रिंग बना दिया जाए इसमें ना, इफ आई मेड अ स्प्रिंग तो उसके लिए कॉन्स्टेंट होगा, उसके लिए कॉन्स्टेंट होगा। ओके अब हर स्प्रिंग चेंज होगा के बदलेगा, स्प्रिंग चेंज के चेंज। ओके ओके चलिए बहुत बढ़िया, अब ये चीज़ें तो सीख ली आपने। ओके एक चीज़ और सीख लो इन, हालांकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्या मतलब है, या इन स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स, इक्विलिब्रियम कंडीशन और स्टडी स्टेट, द मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स इज कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ऑन स्प्रिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके इसका मीनिंग ये है, या इसका मीनिंग ये निकालो आप कि स्प्रिंग इज नो मोर इन मोशन, मालूम है ऐसा स्प्रिंग अब मोशन में नहीं है, मतलब ना तो एक्सपेंशन में है, मोशन का मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन इन दोनों से मतलब है, यहाँ पे ना तो कॉम्प्रेशन हो रहा है ना एक्सपेंशन हो रहा है इन दिस केस,
जब ऐसा होगा तब उसको स्टेडी स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे स्प्रिंग की। और इन दैट केस जो अप्लाइड फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू एफ एस, दैट विल बी इक्वल टू एफ एस, वो स्प्रिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा अप्लाइड फोर्स उस कंडीशन में, केवल और केवल उस कंडीशन में। ओके एंड दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द वेट अननोन वेट्स। हाँ जी, इस कंडीशन से हम अननोन वेट भी फाइंड करते हैं स्प्रिंग का यूज़ करके करते हैं। ओके तो ये तो चीज़ है, बेसिक चीज़ है, अभी जो पढ़ा है ना आपने, जो भी कुछ पढ़ा है बेसिक पढ़ा है, बेसिक हटा दूँ हटा दूँ। चलिए चलिए फॉर्मूला याद कर रखोगे के एक्स, बहुत बढ़िया। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करो, उसके बाद पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, ताकि क्या नाम जाना वो छूटे ना, मैं चाह रहा हूँ आज ही हो जाए ख़त्म। ओके हाँ, क्योंकि कल से फिर उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे अच्छे स्प्रिंग पे, आज हल्के क्वेश्चन हैं कुछ, कल को मैं आपको थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन स्प्रिंग पे। टेन के जी, 20 न्यूटन, के इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर के है स्प्रिंग का, मास ऑफ द ब्लॉक इज 10 kg एंड द अप्लाइड फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। ओके ओके सो फाइंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक, क्लियर है, ऑब्वियस ही बात है, आपने 20 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। ओके अब यदि यहाँ पे स्ट्रिंग होती तो क्या ब्लॉक आगे जाता, क्या ब्लॉक आगे जाता, नहीं, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग्स होती हैं हम उसको इन वो मानते हैं इन इलास्टिक, ठीक है, वे खींचेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग खींचेगा, इसका मतलब ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर सकता है, तो वही पूछा है कि ब्लॉक कितना आगे चला जाएगा। ओके मतलब मैंने मान लिया ये 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये स्प्रिंग थोड़ा सा आगे बढ़ गया, यहाँ पे पहुँच गया स्प्रिंग, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके सो इट इज़ अ सिंपल भाई, इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इन स्टेडी स्टेट क्या होगा, इन स्टेडी स्टेट रीस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग विल कम इक्वल टू एफ ए, विल कम इक्वल टू एफ ए। ओके नाउ लुक एट द ब्लॉक, ब्लॉक पे एक स्प्रिंग लगाएगा अंदर की तरफ स्प्रिंग फोर्स, और एक 24 न्यूटन का हमारा लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है और एक उसका वेट लग रहा है। स्प्रिंग का फोर्स मैंने इस तरफ क्यों लिया, देखो जरा किस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ, तो स्प्रिंग फोर्स शुड बी अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए। ओके सर ठीक है सर, ज़्यादा हम समझ पा रहे हैं जो भी आप बोल रहे हो, अप्लाइड फोर्स 20 है, एफ एस इक्वल टू के एक्स। अच्छा यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट दैट इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, बस उसकी रिप्रेजेंटेशन है और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ओके नहीं है जरूरत। ओके सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज कम इक्वल टू 20/k एंड द के इज गिवन एज 100, सो एक्स विल कम इक्वल टू 0.2 मीटर और यू कैन से इट एज 20 सेंटीमीटर। कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इफ़ यू अप्लाई अ 20 न्यूटन फोर्स ऑन इट। क्लियर है, आसान क्वेश्चन अभी बनेगा क्योंकि अभी तक हमने ना फ्रिक्शन पढ़ा है,
ओके, ना ही और कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, और हम अभी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देखने वाले हैं। दो डेरिवेशन है, उनको ख़त्म करके आज मैं लेक्चर कवर करूँगा। जी हाँ ठीक है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा टायर्ड हूँ। देखो फेस्टिवल्स जब आते हैं तो वी हैव टू डू वर्क मोर देन द नॉर्मल डेज, यस इट इज़ ओके। और आज तो अमेरिका का इलेक्शन भी था, है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे वहाँ पे भी इनवाइट किया हुआ था कि सर आ जाओ प्लीज़, तो अभी तो पता चल रहा है मेरे को कि वो हार गया है। अब वो मेरे को ही बोलेगा कि सर आप नहीं आए इसलिए मैं हार गया। हाँ जाना पड़ गया था भाई, काम जो है ना लोगों घर में बहुत रहते हैं, ठीक है, रात में भी चैन नहीं। हाँ 9:30 ओके, चलिए आ जाते हैं अपने स्प्रिंग पे ही आ जाते हैं दोबारा से। ओके, और आपको कटी होगी वीडियो, कुछ ना कुछ बीच में प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है, आई प्रॉब्लम क्या है, घर के काम। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन दो टाइप के हैं स्प्रिंग में, ठीक है, और हम सबसे पहले कौन सा कॉम्बिनेशन देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या, हमने दो स्प्रिंग ले लिए अलग 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 स्प्रिंग कांस्टेंट के, K1 K2, इन चीज़ों को लिख लो कि लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देर इज़ अ फोर्स ऑफ F इज अप्लाइड ऑन इट, ड्यू टू दिस फोर्स देर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट स्प्रिंग X1 एंड द सेकेंड स्प्रिंग is X2 before coming steady state. ओके चलिए अब देखिए, चलिए ज़रा देखो स्प्रिंग F फोर्स लग रहा है इस पर, कितना फोर्स लग रहा है F ही इस स्प्रिंग पर लगेगा, उतना ही इस पर लगेगा बेसिकली, क्योंकि हमारे जो स्प्रिंग होते हैं वो मासलेस होते हैं, जो सारी कंडीशन थी हमारी स्ट्रिंग की उसमें से ये कंडीशन जो स्प्रिंग पर लगेगी स्प्रिंग विल बी मासलेस होगी, तो इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं बनेगा, जो ये फोर्स यहाँ पे है वही फोर्स इस पे लगेगा, वही फोर्स इस पे लगेगा, दोनों पे सेम फोर्स लगेगा। ओके याद रखना इन सीरीज फोर्स ऑन ऑल स्प्रिंग्स, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने दो का ही लिया है, वहाँ पे कई सारे हो सकते हैं, विल बी सेम स्प्रिंग्स पे फोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब क्या है, F इक्वल टू K1X1 और F इक्वल टू K2X2, इज इट क्लियर टू यू? ओके, रेजिस्टेंस में क्या करते थे, यहाँ से हम X1 की वैल्यू निकालेंगे, रेजिस्टेंस में वहाँ पे किसकी वैल्यू निकालते थे, वहाँ पे हम लगाते थे V की वैल्यू। ओके यहाँ पे हम X1 की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आएगी, F अपॉन K1 और X2 F अपॉन K2। ओके अब याद करो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले, वहाँ पे हम क्या करते थे, याद होनी चाहिए चीज़ें, वहाँ पे हम करते थे कि एक इक्विलेंट रेजिस्टेंस लगाते थे, है ना, यहाँ पे हम एक इक्विलेंट स्प्रिंग लगाएंगे ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, जो कि सेम डिस्प्लेसमेंट X1 प्लस X2 देगा, इसने X2 दिया, इसने X1 दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट X1 प्लस X2। ओके सेम फोर्स F पर इन स्टडी स्टेट। ओके ये सब चीज़ लिखनी है कि लेट अस कंसीडर अनदर स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, इक्विवेलेंट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के विच गिव्स X1 प्लस X2 टोटल डिस्प्लेसमेंट व्हेन अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट। ओके देन इन स्टेडी स्टेट F बिकम इक्वल टू K into X एंड X इक्वल टू X1 प्लस X2 K X1 प्लस X2, इज इट क्लियर टू यू गाइस? ओके सो नाउ फ्रॉम हियर जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ F बाई K दैट विल कम इक्वल टू X1 प्लस X2। ओके जस्ट राइट डाउन द वैल्यू ऑफ X1 F अपॉन K1 X2 F अपॉन K2 FFF इज कॉमन एंड द वैल्यू इज कमिंग एज K1 अपॉन K equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2. You can see easily that these types of formula was be derived by
यू और योर टीचर एंड बाई मी एज वेल, ओके, इन पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, है ना, रजिस्टर के पैरल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला आता था, जो कि सीरीज में आया है स्प्रिंग के, स्प्रिंग्स के सीरीज में आया, सेम फॉर्मूला, ओके, याद रखोगे या भूल जाओगे, याद रखोगे या भूल जाओगे, याद रखना कोशिश करना। यहाँ से k की वैल्यू आप बोल सकते हो, k1 k2, दो के केस में ये होगी k1 प्लस k2, ओके, तीन के केस में k1 k2 प्लस k2 k3 प्लस k3 k1 अपॉन k1 k2 k3, ओके, और सॉरी k1 प्लस k2 प्लस k3, ओके, दिस विल बी द सीरीज फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग व्हेन टू स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, सो दैट थिंग विल गोइंग टू बी हैपन इन दैट केस, इज इट क्लियर टू यू? सीरीज का कॉम्बिनेशन आसान था, चलिए हटा दूँ, चलिए नाउ लुक एट द पैरल कॉम्बिनेशन, ओके, पैरल कॉम्बिनेशन, पैरल कॉम्बिनेशन, सेकेंड पॉइंट पैरल, आपको फॉर्मूला तो दिख रहा होगा क्या आएगा, k1 प्लस k2 आएगा, लेकिन कैसे आएगा उस चीज को याद रखिएगा। आई एम टेकिंग टू स्प्रिंग, अगेन दिस इज k1, दिस इज k2, ओके, दिस इज k1, दिस इज k2, ओके, एक स्ट्रिप लगाओ और एक फोर्स एफ लगा दो, ओके, नाउ लेट्स सी कि यदि मैंने फोर्स एफ लगाया और k1 k2 आर डिफरेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एंड बोथ आर इन पैरल, इन प्योर पैरल कॉम्बिनेशन, इन पैरल कॉम्बिनेशन, पैरल कॉम्बिनेशन, पैरल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन सेम, डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि डिस्प्लेसमेंट ऑन ईच स्प्रिंग विल बी सेम इन प्योर पैरल कॉम्बिनेशन, पैरल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब due to this force they are going to be expanded by same displacement, it doesn't matter their spring constant was what is this k, okay, but the displacement will be same x, okay, okay, so obviously baat hai ki yadi displacement same hai, k1 k2 different hai, to there should be the force, okay, aur wo bhi alag alag hoga, yahan pe k1 x aur yahan pe k2 x, there will be the force on the spring, ओके, तो F1 कितना होगा K1X और F2 कितना होगा K2X, और जो टोटल F होगा वो कितने के इक्वल होगा F1 प्लस F2 के, मतलब K1X प्लस K2X, ओके, ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर टू यू, ओके, लाइक दैट, ओके, अब हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग लेंगे जिसमें सेम डिस्प्लेसमेंट एक्स होता हो, यदि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, सेम फोर्स एफ के कारण, ओके, सिंगल फोर्स है, सिंगल स्प्रिंग है, तो द फोर्स एफ विल कम इक्वल टू के एक्स, मेक द इक्वेशंस इक्वेट टू ईच अदर, k1x k2x विल कैंसिल आउट, के वैल्यू विल कम इक्वल टू k1 प्लस k2, यदि यहाँ पे तीन स्प्रिंग होंगे तो k1 प्लस k2 प्लस k3, फोर होंगे तो फोर एडिशन, तो यहाँ पे जो k इक्विवेलेंट आ रहा है वो एडिशन में, डायरेक्ट एडिशन में, पैरेलल में, ओके, एंड द सीरीज वाज थिंग लाइक कि ऐसा, ओके, अब देखो ध्यान से सुने यहाँ पे क्या है, पैरेलल और सीरीज समझने का क्या तरीका है यहाँ पे, ओके, याद रखना सीरीज में जो स्प्रिंग है, वन एंड ऑफ द स्प्रिंग विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर, एटलीस्ट वन एंड, ओके, एटलीस्ट क्या मतलब, वन एंड तो कनेक्ट ही होगा, ओके, डायरेक्टली कनेक्ट टू ईच अदर, ये स्प्रिंग कॉम्बिनेशन होगा, एंड पैरल में, पैरल में देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द स्प्रिंग्स, नो, देयर विल बी नो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कनेक्शन बिटवीन द स्प्रिंग्स, वन एंड ऑफ द स्प्रिंग विल कनेक्ट टू द अनदर थिंग, एंड सेकेंड थिंग
will connected to the another thing, okay, but at least one point of the springs, at least one point of the spring should be connected to a common thing. एक कॉमन चीज से कनेक्ट होना चाहिए, एक एंड तो कम से कम, वन एंड शुड बी कमन कनेक्टेड टू द कॉमन ऑब्जेक्ट. मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूं. ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर टाइप का टीचर बताता आपको, ऊपर से लेकर नीचे तक का, ठीक है. ये कॉम्बिनेशन बच्चे बोल देते हैं इसको सीरीज है, लेकिन आई एम सेइंग कि सीरीज में डायरेक्ट कनेक्शन होगा स्प्रिंग में. यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, स्प्रिंग्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड. दिस वाई दिस कॉम्बिनेशन इजंट पैरल, सॉरी इजंट सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज अ पैरल कॉम्बिनेशन. जब मैंने पैरल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या बोली, रिमाइंड दिस, मैंने क्या बोला कि उनका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होना, कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ओके, दोनों में डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं है. उनका कम से कम एक एंड, वन ऑफ एंड कनेक्ट होना चाहिए किसी कॉमन ऑब्जेक्ट से. यहाँ पे इस ब्लॉक से कनेक्टेड है इन दोनों का एक एंड, दोनों का एक एक एंड, इसलिए ये पैरेलल कनेक्शन. आगे ये भी है, ये तो डायरेक्ट दिखता है, इसलिए ऐसे दो डंडे खींचते हैं, ये नहीं दिखता, ये ऐसे है. तो दीज लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन ये लाइन नहीं होती पैरेलल, ये सीरीज कनेक्शन है. ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन. क्लियर है, क्लियर है, हटाओ. चलो आप एक आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आसान सा. चलिए अभी देखो यार, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. 100 न्यूटन पर मीटर, 200 न्यूटन पर मीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड kg. Okay, so now in this case, please identify the displacement of the block from the equilibrium state. Okay, बताइए जरा कितना displacement आ जाएगा. यह tension आएगी यहाँ पे, यहाँ पे भी tension आएगी. इस tension किसके equal हो जाएगी, दोनों में जितना जितना force है, series में है, सीरीज में है ना, तो इनको हटाओ, एक स्प्रिंग लगा दो, एक स्प्रिंग लगा दो. कितने का, कितने का, जितना इनका था उसका उल्टा करो. ओके, एलसीएम कितना जाएगा, 200, इधर वन, इधर टू, मतलब थ्री आ जाएगा, वन अपॉन के की वैल्यू, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 डिवाइडेड बाई थ्री, इतने के की. ओके, तो टी शुड बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई थ्री इंटू एक्स. हियर एफबीडी देखो, टी ऊपर और 1000 न्यूटन नीचे, वेट ऑफ द ब्लॉक. तो टेंशन कितनी आएगी, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन यहाँ रखो बाय 3 एक्स, 3 उधर, 2 नीचे, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3/2, डेढ़ मीटर. ओके, अब कोई बोलने लगे कि अलग अलग स्प्रिंग कितने रिमूव किया, ये तो क्वेश्चन हो सकता है, अलग अलग कितने मूव हुए, x1 और x2 की वैल्यू भी बताओ. चलिए बताइए x1 और x2 की वैल्यू, x1 और x2 की वैल्यू बताइए दोनों पे. ओके, देखो दो फोर्स कितना है, दोनों पे फोर्स कितना है, 100 न्यूटन का ही है, टेंशन का फोर्स है ना, दोनों पे सेम बटेगा 100 न्यूटन. तो एक में x कितना होगा, 200 इंटू x1 ले लिया इसको, एक्स के वन की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 मीटर. x2 कितना आ जाएगा टोटल में से, x1 माइनस वो कितना आ रहा था, 3/2, मतलब 1.5 माइनस 0.5, दूसरे में डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 1 मीटर. आसान था क्वेश्चन, वाज इजी, या इट इज इजी. ओके, लो एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, उसके बाद मेरे को मत बोलना अभी, आज हम फिर वो रुक जाएंगे, पैरेलल पे भी हो जाएगा ना एक क्वेश्चन, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ सेम कंडीशन के साथ. 10 kg और ये 200
न्यूटन पर मीटर, ये 100 न्यूटन पर मीटर। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये आज का एंड क्वेश्चन करते हैं। ओके कैसा आंसर आएगा? ऑब्वियस ही बात है अलग आंसर आएगा, है ना। देखो टेंशन तो वही है 100 न्यूटन, FBD बनाओगे इसको 100 न्यूटन आ जाएगी, ओके है ना। बट इस बार F1 और F2 अलग अलग होंगे। F1 कितना होगा? K1X1, और F2 कितना होगा? K2X2। ओके सबसे पहले K1 और K2 का वैल्यू फाइंड कर लो, कितना आएगा। यहाँ पे जो स्प्रिंग होगा वो इक्विवेलेंट लगेगा, वो कितने के इक्वल होगा? K = 300 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। डायरेक्टली एडिशन एज दे आर इन पैरेलल कनेक्शन, है ना। ओके द वैल्यू ऑफ एक्स, X1 और X2 दोनों सेम होंगे, यहाँ पे X1 X2 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके एंड द दिस इज F1 एंड दिस इज F2 एंड द F शुड बी इक्वल टू 100 न्यूटन एंड विच इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ओके है ना। ओके एंड नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ X, K × X शुड बी इक्वल टू दिस 100 न्यूटन। ओके X कम इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 300, 1/3 मीटर। X की वैल्यू आ गई 1/3 मीटर। ओके जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ F2 और F1, F1 और F2 की वैल्यू निकालो। F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? F1 मैंने किसको लिया है? अच्छा मैंने कुछ लिया ही, ठीक है F1 200 को ले रहा हूँ और 1/3। देखो पहली बार कितना डिस्प्लेसमेंट था? पहली बार 1.5 था, अब के 1/3 डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ठीक है इस चीज़ को देख पा रहे हो ना, तो 200 डिवाइड बाई 3 न्यूटन इस पर आया, और इस पर कितना आएगा? 100 × 1/3 न्यूटन। ओके टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 100/3 का मतलब 33 और 200/3 का मतलब 66, तो टोटल मिलकर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। ओके और यहाँ पे क्या है, 100 100 दोनों पे आया, इस पे भी 100 आया, इस पे भी 100 आया, तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे बट गया फोर्स, थोड़ा इसने ले लिया, थोड़ा इसने ले लिया, इसने ज़्यादा ले लिया, इसने कम ले लिया। ओके और दोनों ने सेम मिलकर डिस्प्लेसमेंट सेम दे दिया। ओके तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की सीरीज और पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट कैसे अलग अलग और ज़्यादा ज़्यादा होता है। ओके तो ठीक है आप लोग करिए, अब मैं जाता हूँ और वीडियो को एडिट करता हूँ, कॉम्प्रेस करता हूँ और आपके लिए फिर अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू एवरीवन।